सर्वे एंड मैपिंग डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के दोलखा जिले में चाइना ने इंटरनेशनल बाउंड्री को 1,500 मीटर पीछे ढकेला है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चुप्पी की वजह से चाइना और भी ज्यादा बेधड़क होकर नेपाली जमीनों पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। नेपाल की सरकार ने अपनी जनता के आलोचना से बचने के लिए 2005 से चाइना के साथ सीमा को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की है और सीमा के संबंध में बातचीत को लगातार नेपाल सरकार द्वारा टाला जा रहा है। और 2012 में चाइना और नेपाल के बीच उनके सीमा को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी उसे बीच में ही बंद कर दिया गया था क्योंकि नेपाल की सरकार चाइना के साथ अपनी सीमा को लेकर किसी भी अनिर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचना चाहती थी। और अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा ये बताया जा रहा है कि चाइना ने नेपाल के 7 जिलों में 11 से भी ज़्यादा जगहों पर नेपाली ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। उन 7 जिलों के नाम हैं दोलखा, गोरखा, दारचूला, हुमला, सिंधुपालचोक, संखुआ सभा और रसुआ। और 1,500 मीटर तो सिर्फ एक जिले में यानी सिर्फ दारचूला में ही चाइना ने नेपाल की ज़मीन को कब्जा करके रखा है। और दोलखा की तरह गोरखा जिले में भी पिलर नंबर 35, 37 और 38 में भी चाइना ने अपनी सीमा को नेपाल के अंदर ढकेला है। साथ में सोलुखुम्बु जिले के नाम्पा भंजांग के बाउंड्री पिलर नंबर 62 को भी चाइना ने अपनी सीमा के अंदर ले लिया है। और नेपाल के मानव अधिकार संगठन के अनुसार दारचूला जिले में जुजू गाँव के एक हिस्से को चाइना ने हथिया लिया है और उन इलाकों में कई घरों को जो पहले नेपाल का हिस्सा हुआ करते थे अब चाइना ने अपने बाउंड्री के अंदर ले लिया है। और 2017 में भी चाइना ने गोरखा जिले के रुई गांव और टॉम नदी से सटे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था जहां के लोग पहले नेपाल की सरकार को टैक्स दिया करते थे और आज भी नेपाल के नक्शे में दिखाया जाता है लेकिन अब वो इलाका चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का हिस्सा बन चुका है। नेपाल के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा सरकार को दिए गए रिपोर्ट में चाइना ने जिन 11 से ज़्यादा जगहों पर कब्जा जमाए रखने की बात की है उनमें से है हुमला में बगदारे नदी, रसुआ में कर्णाली, सांजेन और लेमदे नदी, सिंधुपालचोक जिले में भुरजुक, खराने और जम्बू नदी और संखुआ सभा में भोटेकोशी और समजुग नदी और आखिर में आते हैं कामखोला नदी और अरुण नदी जो चाइना में फुंगचू नाम से जाना जाता है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चाइना को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए मौन हैं और चाइना का अप्रत्यक्ष रूप से नेपाली जमीन हथियाने का समर्थन कर रहे हैं। चाइना द्वारा नेपाली जमीन हथियाने के बारे में सबसे पहले जिस रिपोर्टर ने खुलासा किया था वो थे कांतिपुर पत्रिका के असिस्टेंट एडिटर 50 वर्षीय नेपाली पत्रकार बलराम बनिया और इनके नेपाली जमीन पर चीनी अतिक्रमण के रिपोर्ट लिखने के बाद रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है। और ग्लोबल वॉच एनालिसिस में मिस्टर रोनल्ड जैकवर्ड द्वारा लिखे गए एक एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज सरकार ने नेपाल को अपना एक सैटेलाइट स्टेट बनाकर रखा है। उस रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के टॉप लेवल के अधिकारियों को अलग अलग प्रोजेक्ट करवाने के नाम पर चाइना ढेर सारे पैसे बांट रही है। जैसे उदाहरण के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और प्रधानमंत्री केपी ओली के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर राजन भट्टराई को चाइनीज एम्बेसी द्वारा 15 लाख नेपाली रुपये दिए गए थे नेपाल इंडिया रिलेशन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। और 15 लाख रुपए के उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार राजन भट्टराय की श्रीमती गीता गौतम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होंगी और राजन भट्टराय खुद उस प्रोजेक्ट की देखरेख करेंगे। और ये याद रहे कि राजन भट्टराय को नवंबर 2018 में नेपाल के पीएम ओली का फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर बनाया गया था और जिस नेपाली अधिकारी को चाइना ने पैसे दिए हैं वो अधिकारी अब प्रधानमंत्री को क्या एडवाइस देगा ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब चाइना ने नेपाल की सरकार के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और ऐसा लग रहा है कि चाइना द्वारा नेपाली ज़मीन पर कब्जा किए जाने के रिपोर्ट्स पर पिछले बार की तरह फिर से इस बार भी पीएम ओली संसद में बोल देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कम से कम अगले चुनाव तक ओली सरकार इस मुद्दे को दबाकर रखना चाहेगी ताकि अगली सरकार इस मामले से निपटे। धन्यवाद।